केजीएफ और आरआर मूवी ने साल 2022 में मिलकर इतनी कमाई की थी, उतनी तो बॉलीवुड की 50 फिल्में भी मिलकर नहीं कमा पाई थी। जी हाँ दोस्तों, साल 2022 में बॉलीवुड की कुल 50 फिल्में रिलीज हुई थी और इन सभी फिल्में मात्र 2000 करोड़ का कलेक्शन ही कर पाई थी। वहीं दोस्तों केजीएफ और ट्रिपल आर की टोटल कलेक्शन 2400 करोड़ से भी ज्यादा थी। और वहीं दोस्तों बॉलीवुड की 50 फिल्मों में केवल 5 ही फिल्में हिट हुई थी, जिसमें से कश्मीर द फाइल, दृश्यम 2, ब्रह्मशस्त्र, गंगूबाई और भूल भुलैया 2 जैसी हिट फिल्में शामिल थी। वहीं दोस्तों इन सभी फिल्मों में भी कोई भी फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी, लेकिन ये 5 फिल्में लगभग 1000 करोड़ की कमाई कर ली थी। वहीं दोस्तों 2022 में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्में फ्लॉप हुई थी और टॉलीवुड में सभी फिल्में हिट हुई थी। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉलीवुड की सभी फिल्में बायकॉट हो रही हैं और साउथ की सभी फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही हैं? क्या कमी है बॉलीवुड में? अपना कमेंट जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों केजीएफ 2 के क्लाइमेक्स में रॉकी भाई को समुद्र में सोने के साथ डूबकर मरते हुए दिखाया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रॉकी भाई मरे नहीं है बल्कि एक बार फिर से केजीएफ 3 में अपने धमाकेदार एंट्री लेने वाले हैं। और वहीं दोस्तों रॉकी भाई केजीएफ 3 में ही नहीं बल्कि केजीएफ 4, केजीएफ 5 और केजीएफ 6 में भी अपना जलवा दिखाने वाले हैं। और दोस्तों ये धमाकेदार अपडेट उनके जन्मदिन के अवसर पर आया। इन्होंने बताया कि साल 2025 में आएगी केजीएफ 3, उसके बाद आएगी केजीएफ 4, केजीएफ 5 और केजीएफ 6, मतलब ये भी हॉलीवुड की तरह एक के बाद एक पार्ट बनाने वाले हैं और सभी में रॉकी भाई अपना जलवा दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों केजीएफ 3 में कौन से विलेन रॉकी भाई को टक्कर दे सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और केजीएफ से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।